जय हिंद दोस्तों, आर एन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या है, जिन लोगों का पैसा नहीं मिला है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो क्या है, तो भाई आप लोग बने रहे, तो एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों दोस्तों हमें एक ऐसा न्यूज मिली है तो जो की उस वीडियो में सब कुछ बताया गया है, जो की अमित शाह का रैली था रायपुर में, उसमें क्या हुआ, लोगों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है इसकी पूरी सच्चाई जो भी हमें मिली है। तो मैं इस खबर के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही बड़ी सूचना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द को हर एक खबर को आपको देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी का पैसा फंसा हुआ है, लोग परेशान है कि मेरा पैसा मिल जाए। तो क्या है, आगे इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से हमें एक न्यूज मिल रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो भाई आप लोग बने रहे, तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है। दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बुधवार की रात राजधानी रायपुर पहुंचे, जिसके बाद यहां बीजेपी नेताओं के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक की। आज सुबह भी कई लोगों ने कुशाभाव ठाकरे परिसर अमित शाह से मुलाकात किया। इस दौरान सहारा इंडिया परिवार का पैसा लौटाने पर लोगों ने गृह मंत्री को धन्यवाद किया, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने शाह की मौजूदगी में कहे कि भारतीय राज्य के हर जिले में 2 सहारा सहायता केंद्र खोलने का ऐलान किया जाए। जिन जिन निवेशकों का रिफंड पोर्टल में आवेदन किए गए थे, उन निवेशों का दस्तावेज में कुछ त्रुटि के कारण या कुछ कमी रह गई हो, इसी तरह से बहुत ऐसा कुछ है जैसे कि आधार में मैच न खाती हो और भी प्रॉब्लम, जैसे कि अकाउंट में नाम मेल नहीं खाते हैं, समझो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरे हिसाब से हर राज्य के हर जिले में सहारा का केंद्र हो, ताकि हर निवेशकों का प्रॉब्लम सुलभ हो सके। अगर ऐसा हो गया तो निवेशकों का पैसा सुरक्षित मिल जाएगा। उनके मुताबिक ये केंद्र सहारा पीड़ितों को उनकी राशि दिलाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां वे भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी किया। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं से चर्चा की। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया, जिसके बाद अमित शाह की मौजूदगी में यहां स्थानीय नेताओं ने डिनर भी किया। सहारा इंडिया में जिन लोगों के रुपए फंसे हुए हैं, उनके लिए जरूरी खबर है। सेबी में निवेश करने वाले लोगों को 15 दिन में रुपयों का भुगतान करने के निर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिए हैं। सेबी द्वारा नियम किए नियमों के उल्लंघन के एक मामले में सहारा समूह, सहारा ग्रुप की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस खबर के मुताबिक सेबी ने सहारा समूह, सहारा ग्रुप की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन में भुगतान नहीं करने की स्थिति में परिसंपत्तियों की कुर्की की चेतावनी भी दी है। बता दें कि सेबी ने इन पर कुछ माह पूर्व जुर्माना भी लगाया था, जिसका इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते सेबी ने यह नोटिस जारी किया है। इन पांचों को 15 दिन के भीतर ब्याज और रिकवरी शुल्क सहित 6.42 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। बहुत से लोगों के फंसे हैं रुपए। बता दें कि बहुत से लोगों ने अपनी जमा पूंजी को सहारा कंपनी में FD फिक्स डिपॉजिट या RD के रूप में सहारा इंडिया परिवार के द्वारा चलाई गई कई स्कीमों में जमा किया था, लेकिन हाल ही कुछ दिनों से सहारा इंडिया परिवार ने ग्राहकों का पैसा रोक रखा है और इसके लिए व्यक्तियों को इनके कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप सेबी से शिकायत करें सहारा से क्लेम लेने के लिए। ऐसे में मदद, यदि आपका पैसा भी सहारा में फंसा हुआ है तो आप इसे सेबी या कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप घर बैठे मोबाइल से शिकायत दर्ज कराकर सेबी से क्लेम ले सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सेबी ने एक दशक के दौरान सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया की 2 कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। रीपेमेंट के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस तरह मिलेगी सेबी से मदद। सेबी से मदद लेने के लिए आप उनके टोल फ्री नंबर 18,26,67,575 या 1,80,02,27,575 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। कॉलर को इस पर कॉल करके अपनी समस्या बतानी होगी। यदि आप सहारा से रिफंड के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो नीचे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। इस तरह करे
करें सहारा से रिफंड के लिए अप्लाई, सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई। सबसे पहले आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाना है। फिर आपको यहां पर अपना एक अकाउंट बनाएं। इसके बाद आपको अपने यूजर आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें। इसके बाद इस आवेदन को सबमिट करें। अब आपकी शिकायत दर्ज हो गई और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद जल्दी आपकी शिकायत का निवारण कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देखा बहुत बढ़िया से, जिस तरह से इस वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था आपने देखा। जो भी सवाल हैं, जो भी कमेंट है आप लोग कर सकते हैं। जो भी हमें जानकारी मिलेगी तो मैं आपको इसी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ न्यूज के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, जो भी जैसा है। तो आपने देखा जिस तरह से सब कुछ बताया गया है। यदि आप लोग जो भी हेल्प लेना चाहते हैं कंज्यूमर नंबर से हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी है मैंने आपको बता दिया है। यदि यह वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं तब तक, नमस्कार, जय हिंद।